क्या मंदिर के अंदर किसी मुस्लिम को मंदिर का प्रबंध करने के लिए लगाया जा सकता है? सोचो तो फिर श्री हजूर साहिब में कैसे एक गैर सिख को लगाया गया था, या फिर एक ऐसे हिंदू अफसर को लगाया गया जिसके मुंह के ऊपर ना दाढ़ी है, ना मूंछ है, ना कुछ है। दोस्तों यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गुरुद्वारा, मंदिर, हिंदू मुस्लिम सभी धार्मिक भावना से जुड़े हुए मामले हैं। यूनिवर्सल सिविल बिल को सिख धर्म के लिए कैसे खतरनाक बताया जा रहा है, यह मैं आपको दो उदाहरण से बताता हूँ। अक्सर कई लोग हर वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड ही इसका हल है, यूनिवर्सल सिविल बिल लागू हो जाना चाहिए। नंबर एक, सबसे पहले आप यह बात बताएं कि क्या मंदिर के अंदर कभी किसी गैर हिंदू को या किसी ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध आदि व्यक्ति को या पारसी, जैन को मंदिर का प्रबंधक लगाया गया है, या कभी ऐसा लगाया जा सकता है? सोचो जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मंदिर, हिंदू, मुस्लिम सभी धार्मिक भावना से जुड़े हुए मामले हैं और वहां पर सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। नंबर दो, यदि मंदिर के अंदर किसी गैर ब्राह्मण को नहीं लगाया जा सकता तो आपकी पसंदीदा सरकार फिर गुरुद्वारे के अंदर कैसे गैर सिख को लगा रही है? सिर्फ एक हफ्ता पुरानी बात करें तो तख्त श्री हजूर साहिब में एक गैर सिख व्यक्ति को के मुंह के ऊपर ना दाढ़ी है, ना मूछ है, और जो सर के ऊपर दस्तार भी नहीं सजाता है, और जो सिख कहलवाने के भी नजदीक नहीं है, उन्हें श्री हजूर साहिब का प्रबंधक लगा दिया। अब यह तो इस देश के अंदर सिखों को गुलामी का एहसास करवाना ही हुआ ना, क्योंकि मंदिर और उसके प्रबंधों को और पैसे के दान को लेकर सरकार ने पहले से ही अपने नीचे रखा हुआ है। अब ऐसे में शायद इनकी नजर गुरु की गोलक या गरीब के मुंह के ऊपर आ गई होगी। मंदिर के ऊपर जितना भी टैक्स होता है, पैसा चढ़ता है, चढ़ावा चढ़ता है, वह तो सारा पहले से ही उसके प्रबंधों के कारण सरकार के पास जा चुका है। अब सरकार सिख धर्म के पावन गुरुद्वारों या बड़े धार्मिक स्थानों के अंदर हस्तक्षेप करके गुरुद्वारे के प्रबंधकों को अपने अधीन लेना चाहती है। अब मैं सुनी सुनाई बात बताता हूं कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय मास्टर तारा सिंह जी से एक वादा किया गया था कि इस देश के अंदर जब भी कोई कानून बनेगा तो उसमें, यदि सिखों के लिए कोई कानून बनेगा तो उसमें सिखों को और सिख जथेबंदियों को पूरा बताया जाएगा और सभी से परवानगी लेने के बाद ही उस कानून को अमल में लाया जाएगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। जहां चाहे सरकार अपनी मर्जी से प्रधान बदल दे और जहां चाहे शक्ति को गैर हिंदू को गुरुद्वारे का प्रबंधक लगा दे। जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने मास्टर तारा सिंह जी और बाकी के सिखों को कहा था कि आप चाहे तो अपना एक अलग देश बना सकते हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान वाले पंजाब का हिस्सा आएगा, जिसमें हिमाचल का भी हिस्सा आ जाता और उत्तराखंड के भी कई इलाके आते। लेकिन नहीं, मास्टर तारा सिंह जी ने नेहरू जी से दोस्ती निभाते हुए इसी देश के साथ, भारत देश के साथ रहने का प्रण लिया और इस देश को आजाद करवाने के लिए बलिदान के अंदर 95% सिख इस देश के लिए फांसी के ऊपर झूल गए, और वहीं इस देश को बचाने के लिए और इस देश को स्वतंत्रता के लिए खड़ा करने के लिए 70% दान पंजाब और सरदारों और सिखों ने दिया है। फिर भी पंजाब के साथ जबरदस्ती होती है, सिख धर्म के गुरुद्वारों के अंदर हस्तक्षेप करने का मामला सामने आता है। समय पंजाब के लोगों ने इस देश को आजाद करवाकर और दान देकर जो दरिया दिल दिखाई थी, आज के समय में वह NSA के रूप में पंजाब के नौजवानों के ऊपर देखने को मिलती है। हकीकत के अंदर देश में सिखों को दबाने या उनके धार्मिक स्थानों के अंदर गैर सिखों को लगाना यही दर्शाता है कि आने वाले समय में गुरुद्वारों पर गैर सिख बैठेंगे या मंदिरों का प्रबंध किसी मुस्लिम लीडर के पास होगा। इसकी जीती जागती उदाहरण यह है कि यूपी के गुरुद्वारा नानक मता साहिब में पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में, जब वहां पर बिना इलेक्शन के यूपी सरकार ने नानक मता साहिब में गैर सिख को अपनी मर्जी से प्रधान बनाकर भेज दिया था। अब ऐसा ही एक और मामला हम लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा के अंदर भी एक नई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी गई। यदि हम बात करें सिख मैरिज एक्ट की तो अभी तक हमारे देश के अंदर सिख मैरिज एक्ट को सभी स्टेट्स के अंदर लागू नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अभी भी सिखों को हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन सर्टिफिकेट दिया जाता है। काफी विरोध के बाद सरकार ने हजूर साहिब के प्रबंधक को तो बदल दिया था, बाद में वहां पर एक सिख प्रबंधक को लगा दिया। लेकिन एक तरफ हम नारा लगाते हैं हिंदू सिख भाई भाई, और दूसरी तरफ इस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी करते हैं। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करना। मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।